अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त फेस मास्क की वीडियो लेके आई हूँ, तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ास होने वाली है। ये इतना खास और ज़बरदस्त मास्क मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इंशाल्लाह अगर इसको आप भी अपने घर में यूज़ करोगे तो आपको भी 100% बहुत ही ज़बरदस्त के रिजल्ट मिलेंगे। और जो फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच करें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फ्री का सब्सक्राइबर बटन है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जी फ्रेंड्स, इस मास्क को बनाने के लिए हमें कोई लंबी चौड़ी कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम सी चीज़ें इसमें यूज़ होंगी और ये बहुत ही बेस्ट और अच्छा सा फेस मास्क हमारा रेडी हो जाएगा। और इसको आप डेली बेसिस पर यूज़ करेंगे तभी इसके आपको रिजल्ट जो है ना काफ़ी अच्छे मिलेंगे। और ये मैंने तकरीबन इसको 1 वीक यूज़ किया, उसके बाद आपके साथ इसका रिव्यू मैंने शेयर किया, इसके मास्क को आपके साथ मैंने शेयर किया। तो अगर आप भी इसको यूज़ करेंगे 1 वीक डेली तो आपको भी इतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और कमेंट्स करके भी जब आप यूज़ करो आपको इसके रिजल्ट अच्छे मिले तो मुझे मस्ट कमेंट करके बताइएगा। और इसके अलावा भी फेस मास्क की वीडियो मेरे चैनल पे है, अगर आप देखना चाहें तो आप विज़िट कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा बाउल ले लिया था, कोई भी कटोरी कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने घर की बनी हुई दही जो है ना 2 टेबल स्पून ले ली थी। ज़्यादा बेस्ट है कि आपके पास ना घर की बनी हुई दही होनी चाहिए। अगर घर की बनी हुई दही आपके पास नहीं है तो आप मार्केट का बाज़ार का भी दही ले सकते हैं, तो ज़्यादा बेस्ट है, कोशिश करें कि घर की बनी हुई दही लें। और उसके बाद यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून दही लेने के बाद मैंने 1 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस ऐड कर दिया था। लेमन जूस ऐड करने के बाद इसमें मैंने पिंच जो है ना हल्दी ऐड कर दी थी, और हल्दी ऐड करने के बाद इसका अच्छे से पेस्ट बनाएंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको आप अपने हाथों पर, पाँव पर, अपने फेस पे, नेक पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसको अप्लाई आपने 10 से 15 मिनट अपने फेस पे, नेक पे, हाथों पे अप्लाई करना है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए फिर हल्के से गीले हाथों के साथ आप अपने फेस पे मसाज करेंगे 1 से 2 मिनट। 1 से 2 मिनट मसाज करने के बाद किसी भी अच्छे से फेस वाश से, या आप फेस वाश यूज़ करते हैं उससे आप अपने फेस को वॉश कर सकते हैं, अगर आप साबुन यूज़ करते हैं तो साबुन से वॉश कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको उसी टाइम इसके रिजल्ट जो है ना मिलना शुरू हो जाएंगे। आप खुद देखेंगे कि स्किन जो है ना काफ़ी शाइन और ब्राइट हो गई है। तो इंशाल्लाह होप के आपको आज की ये फेस मास्क की वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट्स करके भी बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।